राधे राधे, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं आपके साथ पंडित विशाल शास्त्री। आज का विषय है छठ पूजा। छठ पूजा के विषय में जानेंगे किस प्रकार से और कितने दिन का यह पर्व रहता है, किस समय सूर्य उदय होगा, क्या है सूर्य उदय का शुभ समय, सूर्यास्त का शुभ समय किस समय अर्घ्य देना चाहिए, इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इससे पूर्व जान लेते हैं आज का पंचांग। आज दिन बुधवार कार्तिक शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि रात्रि 11:15 तक रहेगी। इसके पश्चात पंचमी तिथि आरंभ होगी। आज नक्षत्र मूल है जो प्रातः 10:38 तक रहेगा। इसके पश्चात पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र आरंभ होगा। आज योग धृति करण वाणिज्य और वृष्टिभद्र। राहुकाल का समय दोपहर 12 बजे से आरंभ होकर 1:38 तक। अभिजीत मुहूर्त का समय 11:36 से आरंभ होकर 12:18 तक। शुभ मुहूर्त प्रातः 6:30 से आरंभ होकर 8 बजे तक। शाम को 4 बजे से आरंभ होकर 5:30 तक। तिथि के अनुसार मूली का प्रयोग आज नहीं करना चाहिए। दिशा शूल उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा की यात्रा आरंभ ना करें, यात्रा अति अनिवार्य है। धनिया खाकर आप जाएं, यात्रा आपकी मंगलमय रहेगी। छठ पूजा। छठ पूजा को बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ बिहार, यूपी और झारखंड जैसे प्रदेशों में बड़े ही उत्सव के साथ मनाया जाता है। इसमें विशेष रूप से भगवान सूर्य का पूजन किया जाता है। छठी मैया जो भगवान सूर्य की बहन मानी जाती हैं, उनका पूजन इस दिन किया जाता है। इनकी कृपा से, इनके आशीर्वाद से परिवार में सुख संपत्ति, धन वैभव और संतान आदि का सुख प्राप्त होता है, इसी कारण इनका पूजन किया जाता है। यह पूजन कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि को किया जाता है, लेकिन यह पर्व जो है 4 दिन तक चलने वाला होता है। यह उत्सव चतुर्थी से आरंभ हो जाता है। चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, 4 दिन का यह पर्व मनाया जाता है। इसमें उगते हुए सूर्य को और डूबते हुए सूर्य को अर्घ देकर भगवान सूर्य नारायण की अनंत कृपा प्राप्त की जाती है। ऐसे ही इस बार 2020 में यह पर्व 18 नवंबर से आरंभ होने जा रहा है। 18 नवंबर को नहाया खाया किया जाएगा, यानी चतुर्थी तिथि में। उस दिन सूर्योदय का समय रहेगा प्रातः 6:46। प्रातः 6:46 पर सूर्योदय होंगे। शाम को सूर्यास्त का समय है 5:26। सूर्यास्त शाम को 5:26 पर हो जाएंगे। दोनों ही समय में अर्घ्य आदि देकर भगवान नारायण की अनंत कृपा प्राप्त की जाती है। इस दिन नवीन वस्त्र धारण किए जाते हैं और शुद्ध शाकाहारी भोजन किया जाता है। ऐसे ही अगले दिन यानी 19 नवंबर को खरना मनाया जाएगा। खरना वाले दिन व्रत को धारण किया जाता है और शाम को गुड़ की खीर बनाकर उसका भोग लगाया जाता है, उसको ग्रहण किया जाता है। 19 नवंबर को सूर्योदय का समय प्रातः 6:47 रहेगा और सूर्यास्त का जो समय रहेगा शाम को 5:26 रहेगा। इस समय भगवान सूर्य को अर्घ्य आदि देकर अनंत कृपा प्राप्त की जाती है। ऐसे ही अगला दिन जो तीसरा दिन मुख्य रहेगा यानी छठ पूजा, उसी दिन की जाएगी। जो षष्ठी तिथि है वह 20 नवंबर को इस बार रहेगी। इस दिन सूर्योदय का समय 6:48 सुबह 6:48 पर भगवान सूर्यदेव उदय होंगे और शाम को 5:26 पर भगवान सूर्यदेव अस्त हो जाएंगे। इस दिन नदी, तालाब या जल के स्रोत के पास भगवान सूर्यदेव को देखते हुए अर्घ्य आदि दिया जाता है। इस दिन चावल के लड्डू बनाए जाते हैं। बांस की जो टोकरियाँ होती हैं, बांस की टोकरियों में सजाकर सभी सामग्रियाँ रखी जाती हैं भगवान सूर्यदेव के निमित्त, छठी मैया के निमित्त। और भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य आदि देकर फिर अपने घर पहुँचते हैं। अगले दिन पुनः भगवान सूर्यदेव को उदय होते हुए अर्घ्य देकर इसके पश्चात पारायण करते हैं, यानी कथा का स्पान करते हैं, कथा सुनते हैं, घर में भजन संकीर्तन आदि करते हैं और जो भी प्रसाद बनाया होता है उस प्रसाद को परिवार में बांटते हैं। इससे माँ छठी मैया की और भगवान सूर्य नारायण की अनंत कृपा हमें प्राप्त होती है। इस पर्व पर शकरकंद, लौकी, गन्ना आदि पूजन में सम्मिलित करना बड़ा ही शुभ माना जाता है। लक्ष्मी प्रदायक के साथ साथ ये हमारे भाग्य को जगाने वाला भी होता है। हमारे शास्त्रों के अनुसार महाभारत काल में भी भगवान श्री वासुदेव नारायण के निर्देश के अनुसार
पांडवों ने भी इस व्रत को धारण किया था। ऐसे ही रामायण आदि ग्रंथों में भी वर्णन मिलता है तो सीता मैया ने भी इस व्रत को किया था। और भी अनेक कथाओं में, कहानियों में इस कथा के विषय में बड़ा ही महात्म्य कहा गया है, लेकिन इसमें कुछ हमें सावधानियां भी रखनी चाहिए। सावधानियां क्या क्या हैं? सबसे प्रथम हमें शुद्धता का बड़ा विशेष ध्यान रखना चाहिए। 4 दिन घर में बड़ी शुद्धता रहे, कोई भी अपवित्र वस्तु बाहर से ना आए। पूजा पाठ की जो सामग्रियां हैं वहां पर हमें नहा धोकर ही जाना चाहिए, अपवित्र हाथों से या अपवित्र अवस्था में उसको स्पर्श नहीं करना चाहिए, छूना नहीं चाहिए। शुद्धता का बड़ा ध्यान रखना चाहिए। वाणी पर संयम, इन 4 दिनों के मध्य में हमें किसी को अपशब्द नहीं कहने चाहिए, ना ही क्रोध करना चाहिए, ना ही आवेग से यानी जोर से बोलना चाहिए, बड़ी प्रेम से मृदुभाषी में यानी मधुरता के साथ आप किसी से कुछ कहें। संभल कर वाणी का प्रयोग करें, किसी को भी अपशब्द ना कहें। इससे व्रत जो आप धारण कर रहे हैं, व्रत जो कर रहे हैं, उसका पुण्य फल कम हो जाता है। और इन 4 दिनों में शुद्ध शाकाहारी भोजन का ही आप प्रबंध करें, शुद्ध शाकाहारी ही आप रहें। ये नहीं कि आपने व्रत धारण किया है तो केवल आप ही शुद्ध रहें, परिवार में भी शुद्धता, बाहर कोई भी मांस मछली इत्यादि जो है तामसिक जो भोजन है उसको कोई भी ग्रहण ना करें। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। यदि आप पूरे विधि विधान के साथ शुद्धता के साथ इस व्रत को धारण करते हैं, माताएं बड़े प्रेम और भाव से इसको धारण करती हैं, परिवार की कुशलता के लिए तो माँ छठी मैया की अनंत कृपा आपको प्राप्त होती है। और साथ ही में भगवान सूर्य नारायण जिस प्रकार चमक रहे हैं उसी प्रकार से परिवार का यश ख्याति बढ़ता है और परिवार में उन्नति प्रगति निरंतर होती रहती है, ऐसा आशीर्वाद है छठी मैया का। तो आप बड़े ही प्रेम और भाव के साथ इस त्यौहार को, इस पर्व को मनाएं। जो बताए गए नियम हैं, जो बताया गया मुहूर्त है पूजन का, उसी समय आप पूजन करें, उसी प्रकार की शुद्धता आप रखें। ऐसे ही ज्ञानप्रद वीडियो के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करें। आनंदित रहिए, प्रसन्न रहिए। जय जय श्री राधे श्याम।